जोरावरपुरा गांव दरअसल इसे पहले गिरांडी के नाम से जाना जाता था। इस गांव की स्थापना आज से 500 वर्ष पूर्व जोरावर सिंह ठाकुर के द्वारा की गई। दरअसल गिरांडी गांव में पहले मरी यानी कि प्लेग बीमारी फैलने की वजह से इस गांव को स्थानांतरित कर दिया और वहां गिरांडी से थोड़ा दूर ले जाकर जोरावर सिंह ने जोरावरपुरा बसा दिया। इस गांव को आबाद करने में लोगों का मानना है नारसिंह भौमिया जी का बड़ा हाथ है। दरअसल इन्हीं भौमिया जी की कृपा से ये गांव आज संसाधन परिपूर्ण है। इन्हीं की कृपा से गांव में किसी तरह का कोई संकट नहीं आता है। वर्तमान समय में ये गांव संसाधनों से परिपूर्ण है। हर व्यक्ति के पास स्वतः रोजगार उपलब्ध है। इस गांव के अधिकतर लोग कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। वहीं पूरे गांव की बात करें तो 1000 वोटर हैं तथा 2500 की कुल आबादी है। वहीं इस गांव में मात्र 5 बीपीएल परिवार निवास करते हैं। पहले मौजूद गांव गिरांडी में था, वहां पर बीमारी के कारण इस गांव को यहां शिफ्ट करना पड़ा और किसी जोरावर सिंह नाम के आदमी के ऊपर इस गांव का नाम जोरावरपुरा रखा गया। यहाँ वर्तमान समय में 1000 के आसपास तो वोटर हैं और 2500 के आसपास जनसंख्या है। छोटा सा गांव है, आर्थिक रूप से सक्षम गांव है। यहाँ कृषि मुख्य रूप से व्यवसाय है और सिंचाई का मुख्य रूप से साधन है ट्यूबवेल। और यहाँ इस गांव में हर किसान के पास अपनी खुद की ट्यूबवेल है। सुविधाएं पीने के लिए पानी का मुख्य स्रोत तालाब है और एक पीएचडी की ट्यूबवेल बनी हुई है। घर घर लाइट है, पानी है। मेरा नाम नरसिंह राम है। देवर नाम जाजरो हिनो जो आज बछुर और देवर ये पट्टो हो रही ओ नानी रो थान गिराउंडी रो थान ओ हेब जो पसड़ ओ पर डाने तो बठी ओ गांव पे बैठो अटू बट जोरा कर जोरा पर गणमान की मूर्ति है। ठीक है ओ निंदर है नारिंग बाबा पुराणो और ते पीड़ा फूल थाने कोई कहना डर ला गया देखो अलीम कर ले पीला फूल के अंडर कटी बन ला दे दियो देखे उधर डाटा और हवा दो भी का धमी है ना लोग रे कचड़ी बोल आवले ना मार मैं कट पड़ा हूं आज मना मैं दो दिन आ है थाने 550 बना की बात है। तो उतरा मरी पड़ी नहीं है पिछली दस उतरा में और दाटन पाट हो गया खेड़ा आठ लाख ग्यारह में आठ लाख ना दिया बाल नाला को मिल गया नहीं एक रिक्त भी एक बलता बिन टाइम रो बिच पटू छूट निकल रहा तो जो लोग रो आधे दियो बदला रहे खेड़ो बस आगे पास दोनों ग्राउंड भी है इंदौरा पर। आपका नाम? मारा नाम हिताराम।